वालेकुम र्लि व अजीज़ तलबा और तालिबात उर्दू डिजिटल लेसन में आप सबका इस्तबाल है मैं मोहम्मद तालब अहमद जमात नहुम से एक और सरसरी का सबक लेकर आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ बच्चों ये सरसरी मुताल का तीसरा सबक है जो शहर हैदराबाद के बानी मोहम्मद खली खुतुब शाह के मुतल मुख्तरा मालूम मुहैया करता है आइए बच्चों हम सबक की तरफ बढ़ें अजीज़लबा तलिबात आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो तस्वीर मौजूद है ये मोहम्मद खली कतुब शाह की तस्वीर है और इनका कलाम भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आइए बच्चों इस सबक की शुरुआत इस कलाम से करते हैं मुनजात मेरा तो सुन यासमी मिंज खुश तो रख रात दिन यासमी मेरा शहर लोगों मामूर कर रखिया जू तू दरिया में मन यासमी अजीज़ तलबा तालिबात अभी मैंने आपके सामने मोहम्मद खली कतुब शाह का एक कलाम पेश किया ये दरअसल एक मनाजात हैं यानी मोहम्मद खली खुतुब शाह जिस वक्त शहर हैदराबाद बसाए थे तो उस वक्त उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मेरे शहर को इस तरह मामूर कर इस तरह आबाद कर जिस तरह समंदर में मछलियाँ होती हैं इसी तरह मेरे शहर की आबादी को गुंजान कर आइए बच्चों अब हम सबक की तरफ बढ़ते हैं आज से चार साल कबल दक्कन में ख़ानदान हुकूमत करता था जिसका नाम थातुब शाही ख़ानदान इस खानदान का बानी सुल्तान खली था। शाही खानदान में सात बादशाह गुजरे हैं पाँचवें बादशाह का नाम सुल्तान मोहम्मद खलीब शाह था बच्चों आज से 400 साल कबल दक्कन में शाही खानदान हुकूमत करता था जिसका बानी सुल्तान खली था और इसके पाँचवें हुमर का नाम था सुल्तान मोहम्मद खलीब शाह जो इस सल्तनत का पाँचवा हुकमरान था तो आइए बच्चों लीतुब शाह के बारे में हम मजीद जानते हैं मोहम्मद खली कतुब शाह चौदह अप्रैल सन पंद्रह सौ पैंसठ ब मुताबिक चौदह रमज़ान नौ सौ तिहत्तर हिजरी को जुमा पैदा हुआ इस शहजादी की पैदाइश की मसरत में मुसलसिल कई दिन तक जश्न मनाया गया ग़रीबों और फ़ीरों में खैरत तकसीम की गई मोहम्मद खली कतुब शाह की तालीम और तरबियत पर बड़ी तोजह दी गई इसने खुद अपने कलाम में अपने इल्म फजल पर नाश किया है कहता है न लिख सकेगा कने शरह मंज कताबा का हमारा इल्म है सब आलिमा में जीवन एजाज अज़ीज़लबा तलबात मोहम्मद ख़लीतुब शाह की पैदाइश 14 अप्रैल पंद्रह को पैंसठ जुमा हुई और इनकी पैदाइश के वक्त शहर दकन में काफ़ी जोशो खरोश था काफ़ी हर तरफ मसरत का माहौल था और हर तरफ़ जशन मनाया गया गरीबों फ़ीरों में खैर खराज किए गए और काफ़ी धूमधाम से इनकी पैदाइश पर जश्न मनाया गया और इनकी तालीम तलीम तरबियत पर भी बड़ी तोजह दी गई आइए बच्चों सबक के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं मोहम्मद खलीब शाह की जो तस्वीरें दस्तियाब हुई हैं इन्हें देख कर अंदाज़ा होता है कि वो एक खूब रो जवान राना और वजाहत में बेमिस था वो मजबूत और छरेरे बदन का मालिक था मोहम्मद खली कतुब शाह ने अठारह साल की उम्र में शादी की थी दक्कन की तारीखों में लिखा है कि एक महीने तक इस मसरत में रात दिन जशन मनाए गए और दावतें होती रहीं शाही महिलात को बड़ी खूबसूरती से आरास्ता किया गया था अजीज़ बच्चों मोहम्मद खली खुतुब शाह की जो तस्वीर हैं इनसे हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि मोहम्मद खली खुतुब शाह नहायती छर बदन और राना और ख़ूबसूरत जसामत का हामिल थे और ये काफ़ी नहायत हसन और ख़ूबसूरत थे और इनकी शादी का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है बच्चों ये 18 साल के जब थे तो उस वक्त इनकी शादी की गई इनका निकाह हुआ और इस वक्त शहर में काफ़ी धूमधाम से जश्न मनाया गया और तारीख़ में है कि तकरीबन एक माह तक इस मसरत का जश्न सारे दकन में मनाया गया आइए बच्चों अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं मोहम्मद खली कतुब शाह की औलाद में सिर्फ़ एक लड़की थी जिसका नाम हयात बख्श बेगम था हयात बख्श बेगम एक लायक और मदब्बर ख़ातून थी हुकूमत के सियासी मामलों में ये राय मशवरे दिया करती थीं इन्होंने कई मस्जिदें और महल तामीर कराए और अपनी यादगार के तौर पर हयात नगर भी आबाद किया था अजीज़ बच्चों अभी हमने देखा कि मोहम्मद खली कतुब शाह की औलाद में सिर्फ़ एक लड़की थी यानी उनको सिर्फ़ एक बेटी थी जिसका नाम था हयात बख्श बेगम ये काफ़ी जहन और मदब्बर ख़ातून थी और अक्सर ये सलाह व भी दिया करती थीं और इन्होंने कई मस्जिदें तमीर की और अपने नाम से एक हयात नगर नाम का इलाक़ा भी इन्होंने आबाद किया मोहम्मद खुतुब शाह का ज़माना वो ज़माना है जब इंग्लिस्तान में मलिका अलज़ब की हुकूमत थी और हिंदुस्तान में शहनशाह अकबर हुकूमत कर रहा था दौलत सरवत में खुतुब शाही सल्तनत मुग़लों से न थी इस वक्त गोलकुंडा हिरों का शहर कहलाता था अजीज़ तलबा व तालबा सबक के इस हिस्सा में हमने देखा कि जिस वक्त मोहम्मद खली कतुब शाह का दौर हुकूमत दक्कन में चल रहा था उस वक्त इंग्लिस्तान में मलिका अलज़ब की हुकूमत थी और सारे हिंदुस्तान में शहनशाह अकबर की हुकूमत थी लेकिन बच्चों उस वक्त दौलत सरवत और मीशत के हिसाब से दकन भी किसी से कम न था जबकि शहर हैदराबाद को या दकन को हिरों के लिए काफ़ी शहरत हासिल थी आइए बच्चों अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं मोहम्मद खली कतुब शाह बड़ा ही बहादुर समझदार और इरादे का पक्का था इसके दौर हुकूमत में मुल्क में अमन ही अमन था जिसकी वजह से इसे दिल खोल कर रियाया के काम करने का मौक़ा मिला इसने रियाया के सारे टैक्स माफ़ कर दिए मोहम्मद खली एक अमन पसंद और रहमदिल बादशाह था जंग में किसी इलाके को फ़तेह करने के बाद मोहम्मद खली ने ख़िलों इमारतों या शहरों को तबाह नहीं किया वो इतना रहमदिल था कि अपने दौर हुकूमत में कभी किसी को कतल का हुक्म भी नहीं दिया अज़ीज़ तलबा व तलबा इस हिस्से में हमने जाना कि मोहम्मद खली क़ुतुब शाह एक नहायती ज़हीन और काफ़ी रहमदिल इंसान थे बहादुरी के साथ साथ इन में काफ़ी और भी खसूसियात थी ये जबी भी अपने दुश्मन का इलाक़ा फ़तेह करते तो वहाँ की इमारतें वहाँ के ख़िले बर्बाद करने के बजाय उन्हें उसी हालत में छोड़ देते थे यानी कि उन्हें बर्बाद नहीं करते थे तबाह नहीं करते थे और कैदियों के साथ भी रहम का मामला करते थे तो अज़ीज़ बच्चों हमें पता चला कि मोहम्मद खली कतुब शाह नहायत समझदार और नेक सिफ़ात और रहमदिल इंसान थे बादशाह की दादो दहिश का ये आलम था कि जब कोई हाजतमंद इनके दरबार में पहुँचता तो खाली हाथ वापस ना जाता रिया में जब किसी के यहाँ शादी होती तो शादी ब्याह का सारा ख़र्चा शाही खजाने से दिया जाता था बैरूनी ममालिक से आए हुए लोग जब अपने वतन वापस जाते तो सफ़र खर्च दिया जाता था मोहम्मद खली बड़ा आदिल और इंसाफ पसंद बादशाह था इसने दाद महल नाम से एक महल तामीर किया था जिसके दरवाज़े ग़रीबों और मुसीबत ज़दा लोगों के लिए हमेशा खुले रहते थे यहाँ मजलूम और आफत जदा लोग बिला रोक टोक बादशाह के सामने हाल बयान कर सकते थे अज़ीज़ बच्चों मोहम्मद खली कतुब शाह नहाय ही कुशादा दिल शख्सियत थे जब इनके पास कोई हाजतमंद आता तो कभी ख़ाली हाथ वापस नहीं जाता इनकी रियाया में अगर किसी की शादी ब्याह का मामला होता तो उस वक्त भी मोहम्मद खली कतुब शाह अपने शाही ख़जाने से उन अखराज को पूरा किया करते थे और जब कभी भी कोई मुसीबत या कोई आफत आती तो बिला रोक टोक इनका एक दरबार था जिसमें वो लोग अपनी शिकायत या फरियाद लेकर हाजिर हो सकते थे जिसका नाम था दाद महल और इस महल में बिला टोक कोई भी गरीब मुसीबत जदा दाखिल होकर अपनी शिकायत मोहम्मद खली कतुब शाह के सामने पेश कर सकता था आइए बच्चों अगला हिस्सा देखते हैं मोहम्मद खली को फन तामीर से बड़ी दिलचस्पी थी इसके ज़माने में कई मस्जिदें बनाई गईं मदरसे मोहताज खाने शिफा खाने क़ायम किए गए मुसाफिरों और राहगीरों के आराम के लिए शरात और बाउलियाँ बनाई गईं लंगर जारी किए गए मोहम्मद खली कुलतुब शाह ने रूद मूसा के किनारे एक नया शहर बस आया मोहम्मद खली खुतुब शाह फन तमीर में भी काफ़ी माहिर थे इन्होंने कई मस्जिदें तमीर की और कई खूबसूरत इमारतें भी तमीर की जाय बजा मुसाफिर खाने और दूर दराज का सफ़र करने वालों के लिए सराए तमीर की और मुसीबत ज़दा लोगों के लिए हर वक्त वो इमदाद मुहैया करते थे आइए बच्चों अगले बढ़ते हैं हैदराबाद में इसने कई खूबसूरत महल और इमारतें तमीर करवाई जिनमें से कारवाने सराये और दार शिफ़ा चार कमां गुलजार हाउस और दीगर कई इमारतें कतुब अहद की याद दिलाती हैं चार मीनार एक दीदा ज़ैब इमारत है जो क़लब शहर में वाक़ है अजीज़ अज़ीज़लबा तलिबात मोहम्मद खलीब शाह ने कई खूबसूरत इमारतें बनाई जिससे शहर हैदराबाद की खूबसूरती आज भी हमको नज़र आती है इनमें से एक ख़ास इमारत है चार मीनार जो शहर है, हैदराबाद के ख़लब में मौजूद है इसी से कुछ आगे हम देख सकते हैं गुलजार हाउस इसके अलावा कई मुसाफिर खाने और मस्जिदों की तामीर भी करके फ़न तामीर में इन्होंने नुमाया किरदार अदा किया आइए बच्चों सबक के अगले हिस्से की तरफ़ बढ़ते हैं इस सल्तनत की तामीर ऐसे हाथों से हुई जो हिंदू मुस्लिम इतहाद के अलम्बरदार थे और वो इस सरज़मीन में ऐसे बस गए कि बिल्कुल दखनी हो गए इन्होंने यहाँ की माशरत रहन सहन के तरीक़ों और लिबास को अपनाया और यहाँ एक मिली जुली तहज़ीब की दाग बेल डाली मोहम्मद खलीब शाह को फन तामीर के अलावा शेर व सुखन में भी बड़ा लगाव था वो उर्दू अदब का पहला साहिब दीवान शायर था इसने उर्दू के अलावा तेलुगु में भी शायरी की तेलुगु में इसने अपना तखलस तुर्कमान रखा लेकिन अब इसका तेलुगु कलाम दस्तयाब नहीं अजीज़ तलबा तालिबात मोहम्मद खली कतुब शाह ना सिर्फ़ एक जहन और बहादुर और ना सिर्फ एक रहमदिल शख्सियत के हामिल थे कई खूबसूरत इमारतें जावा तामीर किए और इनके इलाक़े में हिंदू मुस्लिम इतिहाद की भी मिसाल हमको मिलती है और वो लोग ऐसा रचबस गए कि वो ना हिंदू कहलाए ना मुस्लिम बल्कि वो दखनी कहलाए और यहाँ पे एक हमको इतिहाद की मिसाल मिलती है और अदब में भी इनकी काफ़ी शोहरत होती है अलावा इसके उर्दू के सबसे पहले साहिब दीवान के लिए मोहम्मद खली कतुब शाह का ही नाम आता है यानि बच्चों उर्दू के सबसे पहले साहिब दीवान मोहम्मद खुली कतुब शाही हैं इनके अशार इनकी गज़लें इनकी नज़में उर्दू ज़बान के अलावा तेलगु ज़बान में भी काफ़ी शहरत हासिल की हैं लेकिन अब इतफ़ाक़ से इनके तेलगु कलाम मौजूद नहीं हैं मोहम्मद खुली एक मुहब्ब वतन और कौम परस्त शायर था इसको दकन के ज़र्र जर्रे से मोहब्बत थी इसकी शायरी में हिंदुस्ानी तहजीब और माशरत का भरपूर अक्सी मिलती है इसने यहाँ के मौसमों रस्म व रिवाज और ख़ूबसूरत नज़में लिखीं ये अजीब इतफाक़ है कि शुमाली हिंद में मुगल बादशाह अकबर आजम जिस वक्त मजहबी एगानगत पैदा करने की कोशिश कर रहा था ठीक इसी वक्त दक्कन में मोहम्मद खली कतुब शाह कौमी यकजहती को फ़रव दे रहा था अजीज़ तलबा वालिबात मोहम्मद खलीब शाह की शेर व शारी से ना सिर्फ लोग लुफानंदोज़ होते थे बल्कि इनकी शेर व शारी से इतिहाद और आपस में मेल जोल का भी बहुत अहम जरिया बनता था आइए बच्चों सबक के अगले हिस्से की तरफ बढ़े इसने शायरी में जहाँ अपने मजहबी ख़्याल का इजहार किया वहाँ हिंदुस्तानी मह्बों के तौर तरीक़ों का भी जिक्र किया मसलन आरती सिंदूर कदम कस्तूर और कुमकुम -कुम जो खालि हिंदुस्तानी चीज़ें हैं मोहम्मद खुली कतुब शाह की शायरी में हिंदुस्तानी मौसमी कैफियत यहाँ के रस्म व रिवाज रहन सहन के तरीक़े यहाँ के परिंदों जानवरों और फूलों की खूबसूरत तस्वीरें मौजूद हैं वो ईरान के परिंदों के बजाय खंजन श्यामा कोयल चकूर ममूले, मोर हंस पपीहा यहाँ तक कि जुगनू कवे मेंडक बीरबाही का भी जिक्र करता है अजीज़ तलबा तालिबात मोहम्मद ख़ली कतुब शाह को अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी वो एक मुहब्ब वतन थे अपनी शायरी में वो इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं हिंदुस्तान के ज़र्रे जर्रे की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कई नज़में अपनी ज़बान में लिखी हैं और यहाँ तक कि यहाँ के परिंदों के बारे में यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे के बारे में यहाँ के लोगों के बारे में और यहाँ के रसम रिवाज तौर तरीक़े और मज़ाहब के बारे में भी इन्होंने अपनी शायरी में इन बातों का ज़िक्र किया है जिससे हमको पता चलता है कि वो अपने वतन से काफ़ी मोहब्बत करते थे और वो एक सच्चे मुहब वतन थे आइए बच्चों अगले हिस्से की तरफ बढ़ें हिंदुस्तानी औरतें और मर्द पान के शौकीन होते हैं ईद जश्न और शादी के मौके पर पान के बेड़े तकसीम किए जाते हैं मोहम्मद खुली ने पान खाकर होटों को सुर बनाने की बात कही है अजीज़ तलबा तालिबात। अक्सर हिंदुस्तानी माहौल में हम ये देखते हैं ईद बारात के मौके पे या फिर किसी और जश्न के मौके पर यहाँ के मर्द और, और औरत पान अक्सर इस्तेमाल करते हैं वो पान के शौकीन होते हैं तो अपनी शायरी में उन्होंने पान को भी एक मौजू बना पेश किया है आइए बच्चों अगले हिस्से की तरफ बढ़ें वसंत हिंदुस्तान का एक त्यौहार है जिसमें बाहर की आमद का इस्तेबाल किया जाता है मिरग बारिश के आगाज़ को कहते हैं ये खालिश हिंदुस्तानी त्यौहार हैं मोहम्मद खुली ने इस मौजुअ पर भी बड़े अच्छे अशार कहे हैं खेल तमाशों का भी जहाँ जिक्र किया है वहाँ हिंदुस्तानी खेल भी पेश किए हैं बाजीगर नट साज बजाने वाले कोलांत खेलने वाले नाटक खेलने वाले इन तमाम का ज़िक्र किया है अजीज़ तलबा तालिबात जहाँ पर मोहम्मद खली कतुब शाह ने अपनी शायरी में वतन के ज़र्र जर्रे का जिक्र किया है और अपने दीगर रस्म रिवाज और यहाँ की मिली जुली तहजीब का भी जिक्र किया है वहीं पर मोहम्मद खली कतुब शाह ने यहाँ के खेल कूद के बारे में भी अपनी शायरी को एक मौजू बनाया है और इसके अलावा यहाँ के रहन सहन तौर तरीकों मज़हब और तमाम आपसी मिल को भी इन्होंने एक मौज़ बनाकर पेश किया है तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चों कि मोहम्मद ख़लीब शाह ना सिर्फ़ एक बेहतरीन हुकुमरान थे बल्कि वो एक अच्छे कमाल के और पाए के शायर भी थे जिनकी शायरी उर्दू ज़बान में और तेलुगु जबान में भी मौजूद थी आइए बच्चों सबक के अगले हिस्से की तरफ बढ़ें मोहम्मद खली शिया मजहब का पैरों था लेकिन खुतुब शाही सलातन बड़े वसीुल नजर और कुशादा खल्ब थे खुतुब शाही बादशाहों का इम्तियाज़ है कि इनमें किसी किस्म का मजहबी तंग नजरी नहीं थी अजीज़ तलबा और तालिबा मजहबी एतबार से जब हम देखें तो मोहम्मद खुली कतुब शाह शह मज़हब से ताल्लुक रखने वाले थे लेकिन ये खुतुब ही सलातीन की खसूसियत थी कि उन्होंने कभी किसी मज़हब में इम्तियाज़ नहीं परखा कभी किसी मज़हब में फ़र्क नहीं देखा ये तमाम मजाहब के साथ बराबर का सलूक करते थे सब के साथ वही रवादारी और सब के साथ वही वसीुल नजरी का ये लोग मुज़ाहरा किया करते थे जिन मोहम्मद खली कतुब शाह को भी एक नुमाया मुक़ाम हासिल है आइए बच्चों अगले हिस्से की तरफ बढ़े मुहर्रम के तमाम रसूम इसी बादशाह के ज़माने में जारी हुए थे अपने नए पाए तख्त में जो पहली मुकदस इमारत तामीर करवाई वो बादशाह ही आशुर खाना था मोहम्मद खली की शख्सियत बड़ी मुतन थी इसको शायरी के अलावा खुशखती का भी बड़ा शौक़ था चुनाचे हैदराबाद की इमारतों में हमें खताती के नमूने नज़र आते हैं आखिरी एयाम में अपने भाई की बदसलूकी की वजह से मोहम्मद खली को बहुत सदमा पहुंचा और सेहत ख़राब हुई जो इसकी मौत का बास हुई अजीज़ तलबा व मोहम्मद खली कतुब शाह को शायरी के अलावा खुशखती में भी बहुत दिलचस्पी थी इसीलिए हम शहर हैदराबाद की तारीखी इमारतों में खताती के भी नादर नमूने देख सकते हैं आखिरी अयाम में भाई की बदसलूकी की वजह से मोहम्मद खलीब शाह की सेहत ख़राब होने लगी और यही इनकी एक मौत का सबब भी बना आइए बच्चों अगले हिस्से की तरफ बढ़ें खुतुबशाही बादशाहों के मकबरे चार मीनार से तकरीबन पाँच मील के फ़ासले पर बजानब मगरब वाक़ हैं ये मकबरे गुमबदों की शक्ल में बनाए गए हैं और हतुबश शाही के बेहतरीन नमूने समझे जाते हैं अजीज़ तलबा तालिबात अजीज़ बच्चों जब आप शहर हैदराबाद की सैर किए होंगे तो यकीन आप लोगों ने सात गुंबद का भी नज़ारा किया होगा सात गुंबद भी देखे होंगे जिसको हम सेवन टोम्स भी कहते हैं तो इन्हीं में से एक गुमबद जो कि बहुत ही एक आलिशान मकबरा है इसी मकबरे के नीचे मोहम्मद खली कतुब शाह की भी खबर है और वो इसी खबर में दफन है अज़ीज़ तलबा व तलिबा ये सलातीन अपनी वफात से पहले ही मकबर तामीर कर लिया करते थे ये कुल क्योंकि ये सात हुकमरान गुजरे हैं कुतुब शाही ख़ानदान के तो इनके भी सात गुंबद शहर हैदराबाद में मौजूद है जिसका हम दीदार कर सकते हैं आइए बच्चों सबक के अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंुतब शाही मकबरों में सबसे आलीशान मकबरा मोहम्मद खली कतुब शाह का है जो इसने अपनी ज़िंदगी में ही अपने लिए बनवा लिया था यह गुंबद एक बड़े चबूतरे पर बनाया गया है अज़ीज़ तलबा व तलिबा मोहम्मद खली कतुब शाह ने अपनी वफात से पहले ही अपना मकबरे की तमीर की और ये तमाम सात मकबरों में सात गुंबदों में सबसे खूबसूरत और आलिशान मकबरा मोहम्मद खली कतुब शाह का ही है जो जा बजा काफ़ी वसीय अरीज भी है और साथ ही साथ एक चबूतरे पर इसकी तमीर की गई है जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती में काफ़ी और इजाफा हुआ है आइए बच्चों अगले हिस्से की तरफ बढ़ें मोहम्मद खली कतुब शाह की यादगार सालाना जश्न की सूरत में आज भी मनाई जाती है दक्कन के नामवर सपूत डॉक्टर सैयद मुहद्दीन खादरी ज़ोर ने योम मोहम्मद खलीब शाह के नाम से उर्दू और तेलुगु में अदबी और तहजीबी तकारीब मनाने की इब्ता की है अजीज़ तलबा व तालिबात मोहम्मद खली कतुब शाह की वफात पर सालाना यहाँ पर इनके लिए एक तकरीब मनाई जाती थी डॉक्टर सैयद महद्दीन खादरी जोर ने इसकी इब्तदा की थी और ये तकरीब में तेलुगु ज़बान और उर्दू ज़बान में भी इनके कलाम पेश किए जाते थे और ये तेलुगु और उर्दू ज़बान में भी इनके मतलब कई मालूम फ्राहम की गई हैं तो बच्चों हमने देखा कि मोहम्मद खली खुतुब शाह ना सिर्फ़ एक जहन हुकुमरान थे ना सिर्फ वह शहर हैदराबाद के बानी थे बल्कि शहर हैदराबाद को काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी काबिल तारीफ इमारतों की तामीर की और ना सिर्फ इनमें मजहबी रवादारी थी बल्कि गंगा जमनी तहजीब को इन्होंने मुतहरक करने की भी हत्तल इम्कान कोशिश की और इनकी शायरी के बारे में भी हमने जाना बच्चों ये शाफी उम्दा किस्म के शायर थे यहाँ तक कि इनको उर्दू ज़बान का पहला साहेब दीवान शायर भी कहा जाता है साहेब दीवान शायर का मतलब यह है बच्चों के जिनके कलाम को शाइ किया गया हो तो अज़ीज़ बच्चों हमने देखा ये सखावत और फ़याजी में भी काफ़ी आगे थे वो अक्सर गरीब व गरबा की मदद करते मोहताजों के लिए हमेशा आगे बढ़ कर वो अपने शाही ख़जाने से ज़रूरियात को पूरा किया करते थे और जब भी कोई शादी ब्याह का मामला होता तो शाही ख़जाने के खर्च पर ही वो इन गरीब व ग़रबा की शादी ब्याह भी करते थे अगर तकलीफ़ ज़्यादा इंसान को अपनी कोई शिकायत अगर बादशाह तक पहुँचानी हो तो इन्होंने एक दाद महल की भी तामीर की और इस दाद महल पहुँच कर गरीब और गरबा मुसीबत जदा लोग अपनी शिकायतें अपनी फरियाद बादशाह के सामने रखा करते थे और इसके अलावा हमने इनकी शायरी के बारे में भी जाना बच्चों उर्दू के अलावा तेलगू के भी एक अजीम शायर थे और साथ ही साथ इन्होंने शहर हैदराबाद की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए चार मीनार की तमीर की जो आज भी शहर हैदराबाद के खलब में वाक़ है और ये आज भी सारे हिंदुस्तान में अपनी शान अपनी नुमाया खूसियत आप रखता है अजीज़ तलबा तालिबात अभी हमने शहर हैदराबाद के बानी मोहम्मद खली खुतुब शाह के बारे में मालूम इकट्ठा की उम्मीद कि आप लोग इसको ज़ाहिर नशीन कर लेंगे आइए बच्चों अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ इस वादे के साथ कि अगली क्लास में हमारी ज़रूर मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़